हेलो हेलो नमस्कार, मैं आरके सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड यूट्यूब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मेरे पास कई बार फोन आ रहे हैं, कई छात्रों के फोन आ रहे हैं कि सर एमपी पुलिस की डेट कब आएगी, कब से फॉर्म भरने शुरू होंगे, आएगी भी या नहीं आएगी, तो इस संबंध में मैंने विचार किया कि मैं एक यूट्यूब चैनल में वीडियो डालूं ताकि आप लोगों की जो शंकाएं हैं उनका काफी हद तक निवारण कर सकूं। तो जैसा कि मेरा वीडियो का आज का शीर्षक है कि एमपी पुलिस परीक्षा होगी भी या नहीं होगी, तो ये इस तरह का डाउट होना स्वाभाविक भी है क्योंकि कई बार डेट आ चुकी फार्म भरने की और उस तारीख को फार्म नहीं भर सके और सिस्टम ने काम नहीं किया। और सरकार का भी कहना है इस संबंध में कि वैकेंसी का डेट क्यों नहीं आ रही है, तो सरकार का ये कहना है कि यद्यपि पुलिस की न्यूनतम योग्यता जो है वो 10वीं पास है, लेकिन सरकार ये चाह रही है कि बार सिस्टम में 12वीं की मार्कशीट भी जो है वो अपलोड की जा सके। तो जो हमारा सिस्टम है उसमें 12th की मार्कशीट अपलोड करने की व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए हमको सॉफ्टवेयर में जो है वो सुधार करना पड़ेगा और इस दिशा में जो है वो सॉफ्टवेयर में सुधार किया जा रहा है ताकि 12th की मार्कशीट भी जो है उसमें अपडेट की जा सके। तो सरकार का तो स्पष्ट यह समझ में आ रहा है कि सरकार ये कह रही है कि पुलिस की परीक्षा होगी और अपने समय पर ही होगी। जो तकनीकी कारण यह है कि सॉफ्टवेयर में जो 12th की मार्कशीट अपडेट करना है सिस्टम में, तो उसमें सुधार करने के लिए कुछ टाइम लग रहा है। और इस संबंध में हमारे जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, उनसे भी ये छात्रों द्वारा या लोगों द्वारा ये सवाल पूछा गया कि सर एमपी पुलिस की फार्म भरने की डेट कब होगी, कब आएगी, या एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों से कहा कि नहीं, ये एमपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, 4000 वैकेंसी है ये, और परीक्षाएं जो 6 मार्च से इसकी शुरू होने वाली थी वो भी अपने तय अनुसार शुरू होंगी और जैसे ही सॉफ्टवेयर में सुधार कर लिया जाएगा तो शीघ्र ही जो है वो फार्म भरने की डेट आ जाएगी। तो हम और आगे चलते हैं, अतः वैकेंसी ये हम मान के चलें कि ये निरस्त नहीं की गई है बल्कि पोस्ट फोन की गई है, वैकेंसी 4000 घोषित है और जैसे ही सॉफ्टवेयर में सुधार हो जाएगा तो सरकार के अनुसार इसकी वैकेंसी जो है वो फार्म भरने की डेट आ जाएगी। और 6 मार्च से ही जो है वो, जैसा कि माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि 6 मार्च से भी जो एग्जाम डेट एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को यही राय देना चाहूंगा कि आप लोग अपना उत्साह बिल्कुल कम ना करें और इस तरह की संशय ना करें कि वैकेंसी निरस्त हो गई है। वैकेंसी निरस्त न होकर के केवल पोस्ट फोन हुई है और जैसे ही तकनीकी जो खामियां हैं उसको दूर कर लिया जाएगा तो वैकेंसी आ जाएगी। तो मैं तो यही राय देना चाहूंगा कि आप लोग जिस तरह से तैयारी में जुट गए थे उसी तरह से जुटे रहें और अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और इस तरह की शंकाओं में जो है न पढ़ करके और अच्छी तैयारी करें ताकि ये आप अपनी मंजिल को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकें। तो मैं आरके सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं और आपसे विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार।